हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश होंगे। तो कल के ब्लॉग में अगर आपने देखा तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया था कि आज के दिन मम्मी गांव वापस जाने वाली हैं। तो मैं बता दूं कि कुछ दिन तक इतना प्लीजेंट वेदर था, ना बारिश ना ज़्यादा धूप, यू नो मॉडरेट था, ठीक ही था। लेकिन आज जब मम्मी जा रही है तो वेदर में दिखाती हूँ, तो वेदर कुछ ऐसा है। बारिश तो मम्मी तो रेडी हो चुकी है और हम लोग ने जो सोमवार गए उनको भी बता दिया कि कहाँ पे हमें वेट करना है, क्या है। तो करंट नहीं है, बारिश है, सी इज़ रेडी, ऑलमोस्ट पूरा पैकिंग हो चुका है जी। मुझे ऐसे बाहर जाकर वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ अंदर पूरा अंधेरा है। तो यह एक तो एक चीज़ है कि खुश हूँ कि उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो गया, कुछ ऐसा सीरियस कुछ नहीं निकला। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, मेडिकेशन दिया है, उन्हें ख़त्म करना है, पूरा कोर्स करना है बोला गया है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट थोड़ा सा दुख लग रहा है, थोड़ा दिन बैठा साथ में तो अभी जा रहा था, थोड़ा ऐसा मौका मिलता है। मैंने पहले भी कहा जब मैं गांव से निकल रही थी तो अभी मम्मी यहाँ से जा रही तो थोड़ा सा दुख लग रहा, बट नेवर्थलेस पापा के पास ही जा रहा है एंड मैं थोड़ा इमोशनल वाली हूँ ना, तो उसके सामने मैं नहीं रहूँगी क्योंकि उसके सामने मैं रहूँ ना तो वो भी मुझे पता है क्योंकि वो भी बहुत इमोशनल वाला। तो सब चीज़ ठीक हुआ, ट्रीटमेंट ठीक हुआ, फेशियल थेरेपी का सब चीज़ हो गया, तो आज अभी निकलेंगे। तो बने रहे वीडियो में, हम लोग सीधा आपको जहाँ से सोमू वाला जगह है वहाँ पे दिखाती हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं और सोमो के लिए रुक रहे हैं हम लोग। इधर से मम्मी यहाँ है, दांत खुजा रहा है उसके बाद में बाहर में बहन का फियांसे बैठा है, उनको गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोला है तो नहीं माना है। और ये है चंद्रनगर का पेट्रोल पंप। एक्चुअली हम लोग रुकने वाले थे वो ब्रिज में, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें बता दिया कि हम लोग पेट्रोल पंप में रुक रहे हैं। अभी फ़ोन आया था तो बता रहे थे कि आ रहा है, तो हम लोग पूछ लेंगे कैसा एक्सपीरियंस था। बस यहाँ से करना क्या था एक्सपीरियंस, ये बेटा ना इधर मैंने से दाँत खुल गया था हम लोग उसे ना एक्सपीरियंस कैसा था। ओ ये है क्या, हाँ सोमू 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 बोल नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। बताओ कैसा लगा इतना गर्म 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 हालत खराब था अभी ठंडा जा रहा आराम होगा, ठंडा जा रहा आराम होगा। तो हम लोग अभी रुकेंगे सोमो के लिए, निकल चुका है बोले, पता नहीं अभी तक तो पहुंचा नहीं, तो रुक ही रहे हैं। गाड़ी वो है पूरा पैक सिलेंडर लेके जा रहा है, मम्मी का सामान इतना ज्यादा और बाल मम्मी बालपुंग से क्या करेगा बोला था, सिलेंडर उठाएगा बोला था, नहीं होगा गाड़ी पूरा पैक है। तो चलिए आज भी उतना सामान ज्यादा क्यों ले गया बोलते, खुद से भी इतना सामान ज्यादा लेके जा रहा है, पूरा पैक है। वहाँ पे ऑलरेडी एक बैग है और यहाँ पे दो बैग वो वाला है। मम्मी तो बाय 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 बाय, अच्छा जाओ ये लो पहुँच के फ़ोन करना, एरोप्लेन का एक्सपीरियंस ले लेना। चलो ठीक है, तो मम्मी को पहुँचा के आ गई हूँ मैं और थोड़ा जल्दी निकल गई, गाड़ी को जाने जाते हुए नहीं देखा मैंने क्योंकि आई वॉज लाइक बिट इमोशनल, क्योंकि मम्मी भी इमोशनल है ना, मतलब मैं रो दूंगी तो वो भी रो ही देगा मुझे पता है, तो इसलिए मैं निकल गया आगे। एंड और शाम को जब तक वो पहुंचती है तब तक मैं ब्लॉग बनाऊंगी, आई मीन लाइक कंटिन्यू रखूंगी ये ब्लॉग को, तो आप लोग देखिएगा। एंड या अभी घर रूम तो मेरा छोटा ही है, लेकिन मम्मी आकर थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि घर में कोई रुक रहा है, घर में कोई है, तो अभी फिर से मैं अकेली हो गई हूँ अकेली या तो थोड़ी देर अभी रूम जाकर रेस्ट करूँगी और उसके बाद एज यूजुअल
काम पे निकलूंगी तो बने रहेगा वीडियो में। बालीपुंग अभी पहुंचा है? अभी तो कहाँ में रुका था आप जो बता रहा था मीट काटने वाला? ठीक है, अभी नाश्ता करेगा ना? होगा बाद में, तब तो पहुंच के बता दो ना। तो मम्मी अभी 0 पॉइंट पार हो चुके, जब मैंने बात किया था तो मम्मी पहुंची थी भालपुंग। तो अभी जिस पापा ने कॉल किया और पापा ने बताया कि मम्मी 0 पॉइंट यानी कि नीचे को पार हो चुकी है, तो अभी ज्यादा से ज्यादा 1.5 आवर या फिर 2 घंटे पे वो बस्ती पहुंच जाएगी। मैं अपडेट देते रहूंगी जब तक वो गांव पहुंचती है। और अभी तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे भी काम पे बाहर जाना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे साथ बने रहे ब्लॉग में और ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूंगी। तो चलिए, तो जैसे मैंने कहा था कि मैं काम पे निकल रही हूँ, तो उससे पहले मैं नाहर लगन की ये कॉफ़ी ट्राइब जो कैफ़े है तोपसीदी का है उसके यहाँ पे, पहले जब आई थी तो यहाँ का जो इंटीरियर था वो बहुत अलग था, लेकिन अभी काफ़ी सुंदर हो चुका है। यहाँ पे फुल मेन्यू दिया गया है, क्या क्या मिलेगा बीवरेज में बोलिए या खाने के लिए, तो काफ़ी चेंजेस हो गया है। तो मौसम्बी का शेक मंगाया है, तो उस बीच में मैं दिखा देती हूँ इसका प्रॉपर लोकेशन क्या रहेगा। यहाँ के लोग तो जानते होंगे, तो पॉलिटोस के जस्ट बगल में ही है अपोजिट साइड, और आज मैं आई हूँ वहाँ पे उसका यूज के लिए। जल्दी से मौसम भी पी लेती हूँ, उसके बाद वहाँ जाती हूँ सीधा। मैंने जैसे कहा था कैफे में कि गाँव से आए, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि अरुणाचल के लोग स्पेशली जो ईटानगर नाहरलगुन में रहते हैं, तो यहाँ पे लेंस कट का शोरूम खुल चुका है। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट लेंस, पावर लेंस, सन ग्लासेस बच्चों से लेकर बूढ़े तक के लिए मिल जाएगा। एंड तो ये है जो कि कॉफ़ी ट्राइब के जस्ट अपोजिट साइड में है, ब्लैकबेरी जो शोरूम है उसके भी साइड में ही है। तो आप लोग यहाँ पर आके आप लोग खरीद सकते हैं, और इसका मंडे टू सैटरडे 7 डेज वीक में पूरा खुला रहेगा। एंड जैसे मैंने कहा कि बूढ़े से बच्चे लोग के लिए आराम से मिल जाएगा। तो फाइनली लेंस करता है कि शोरूम ईटानगर में खुल चुका है, एंड लाइक नाहरलगन में खुल चुका है। तो आइए और यहाँ से जो ग्लास वगैरह है वो आप खरीदिएगा, और बाकी कुछ तो है नहीं। अभी यहाँ से निकलूँगी थोड़ी देर में, उसके बाद में जो भी मैं जाती हूँ तो मैं अपडेट कर दूँगी और बनाऊँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली थी कि मम्मी गांव पहुँच चुकी है, वो ऑलमोस्ट 2 बजे तक वो पहुँच गई थी। तो मैं ये काम में आ रही थी, तो गाड़ी चला रही तब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। तो या मम्मी घर पहुँच चुकी है, 2 बजे तक पहुँच चुकी है। एंड या वो अभी अपने काम पर लग चुकी है और मैं यहाँ आई थी। काम वाम ख़त्म करके मैं घर आ चुकी थी, और मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग एंड कर दूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि मम्मी घर पहुंच चुकी है, यानी कि बोमजिला पहुंच चुकी है सेफली। उसके बाद अपने काम पे भी लग चुकी है, एंड देन मेरा खुद का जो काम था जो मैंने आप सबने देखा होगा कि लेंसकार्ट का पहला ऑफलाइन आउटलेट अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगन इस सेक्टर में आज से खुल चुका है, तो आप लोग वहाँ जाकर ले सकती है, सब मैंने बताया। लेकिन क्या हुआ है कि मेरे रूम पे, नॉट ओनली मेरे रूम पे, ये एरिया पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे करंट नहीं है। तो मैं सोच रही थी करंट जैसा आएगा मैं ये वीडियो को एंड अप करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली आ ही नहीं रहा है। तो थैंक्स टू माय रिंग जिसका सपोर्ट से मैं ये वीडियो को एंड अप कर रही हूँ। एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हुआ होगा, एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। एंड थैंक्स टू यू ऑल आपके प्रेयर्स वगैरह के लिए मेरी मम्मी सेफली पहुंच गई। एंड या और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और लाइफ में कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज बुरा दिन है तो यू नेवर नो कल का दिन अच्छा जाएगा, है ना। तो कभी भी गिव अप ना करें और हमेशा पॉजिटिव रहे, और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करिए, है ना।
एक ही जिंदगी मिली है तो खुल के जीना है एंड या नेवर गिव अप। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, खुशियाँ बांटे, जल्दी यानी कि कल ही मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।